मंत्री दिनेश खटीक का भतीजा गिरफ्तार। अवैध खनन मामले में छापे के बाद पहुंचा था थाने। थानेदार एसएसआई के साथ गाली गलौज की और अभद्रता भी की थी, तो पकड़े ट्रैक्टरों और ट्रालियों को छोड़ने का दबाव बना रहा था। थाने में अभद्रता के बाद पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। मंत्री के चचेरे भाई का बेटा ईशांत उर्फ ईशु खटीक मेरठ के मवाना थाने में मंत्री के भतीजे की गुंडागर्दी। नरेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। नरेंद्र, मवाना थाने में मंत्री के भतीजे की गुंडागर्दी धरी की धरी रह गई? बिल्कुल आलोक, क्योंकि ये सठला एक गांव पड़ता है, वहां पर लगातार खनन की शिकायतें मिल रही थी। और पुलिस ने कल जब छापा मारा तो वहां चार ट्रैक्टर और जो जेसीबी मशीन है वो भी वहां से जब्त की गई। और उसको जब थाने लाया गया तो उसके साथ ही वहां पर मंत्री का जो भतीजा है ईशु खटीक वो पहुंच गया और उसने वहां पर पुलिस के ऊपर दबाव बनाया कि तत्काल प्रभाव से वो सारे वाहन और जो जेसीबी मशीन छोड़ दी जाए। पुलिस ने जब इस पूरे मामले में मना किया तो उसके बाद उसने गाली गलौज शुरू कर दी, थानेदार को गाली दी, उसको माँ बहन की गालियां देने के बाद उसे अभद्रता भी की। इसके अलावा जो एसएसआई है थाने के उनसे भी गाली गलौज की। तो इस पूरे मामले में जब अति हो गई तो फिर उसके बाद पुलिस ने उसको वहीं बिठा लिया और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आज उनको जेल भेजा जा रहा है। चलिए, बड़ी कार्रवाई की कहीं ना कहीं। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र इस जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे ललितपुर की। जिले में अवैध खनन